YouTube पर दूसरे का हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी अपलोड करके ज्यादा नहीं तो महीने का 40 से 50 हजार रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए बस सही ट्रिक आना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए और ये कोई अनोखा चीज नहीं है। YouTube पर ऐसे हजारों लोग हैं जो इसी सीक्रेट ट्रिक का यूज करके, इसी सीक्रेट तरीके का यूज करके महीने का लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं। उनके वीडियो पे मिलियन में व्यू जाता है, मिलियन में सब्सक्राइबर है और पैसा तो वो छाप ही रहे हैं। और भाई ये ट्रिक जिनको पता हो जाता है वो एक नहीं 5-5 चैनल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम है और इस तरीके का जो चैनल है, मूवी वाला जो चैनल है, इसका ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि अगर आज आपने एक चैनल बनाया और अगर आप रेगुलर सिर्फ 15 वीडियो अपलोड कर देते हैं तो ना सिर्फ आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, उससे आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और मेरे पास तो प्रूफ है, मेरा दोस्त ये काम कर रहा है, मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब देखिए जो मूवी अपलोड करके पैसा कमाने का तरीका है, इसमें सही जानकारी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है और अगर आज आपने एक चैनल बनाया उस पे अगर आप मूवी डाल दोगे तो स्ट्राइक आ जाएगा, आप पैसा तो कमाने का बात छोड़ो, आपका चैनल पहले दिन ही डिलीट हो जाएगा। तो आपको वो सीक्रेट ट्रिक पता होना चाहिए, वो सीक्रेट तरीका पता होना चाहिए जिससे आप मूवी अपलोड करोगे और उससे आपको पैसा भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दोस्त का चैनल दिखा देता हूं जिससे मैं पर्सनली जानता हूं और ये चैनल सिर्फ 3 महीने पहले ओपन हुआ था, लेकिन अभी 1 महीना से वो वीडियो डालना चालू किया है। और उसके जो चैनल का नाम है वो क्रिप्टोन का पोता, आप भी सर्च करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब इसके चैनल को आप ओपन करेंगे तो अभी इसके चैनल पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, मतलब हर वीडियो पे आप देखेंगे तो 500 व्यूज है, किसी वीडियो पे 1500 व्यूज है, किसी वीडियो पे 5000 व्यूज है। लेकिन इसका एक यहां पे नियम क्या है कि जैसे ही कोई मूवी आता है अगर आप उस मूवी को अपलोड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पुष्पा मूवी आ गया और अगर पुष्पा मूवी जैसे आया अगर आपने उसको अपलोड कर दिया तो उस समय आपको मिलियन में व्यूज मिलेगा। यही काम ये करता है, आप देख सकते हैं इसके वीडियो पे 1.8 मिलियन व्यूज है, सिर्फ 1 महीना पहले अपलोड हुआ है। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई मूवी आया और आपने उस मूवी को अपलोड कर दिया तो आपको मिलियन में व्यूज मिलेगा, मतलब हर घंटे इतना लाख व्यूज आएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और ये ट्रिक आपके पास होना चाहिए तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, वरना जैसे आप अपलोड करेंगे आप पब्लिश नहीं कर पाएंगे, जो आपका वीडियो होगा, जो आपका चैनल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे चैनल है, जैसे कि यहां पर मैं दिखा देता हूं, यहां पर एक चैनल है हॉरर हॉर्स का। अब इनका क्या सिस्टम है कि ये सिर्फ अपने चैनल पे हॉरर मूवी को अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक कैटेगरी बना सकते हो कि भाई मेरा जो चैनल होगा उस पे सिर्फ हॉरर वाला वीडियो आएगा, या फिर सिर्फ रोमांटिक वाला वीडियो आएगा, या सिर्फ हॉलीवुड वाला आएगा, सिर्फ बॉलीवुड वाला आएगा। तो इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि जिन लोग भी मूवी का ऐसा चैनल चला रहे हैं उन पे सब आ रहा है, मतलब हॉरर भी आ रहा है, रोमांटिक भी आ रहा है, हॉलीवुड भी आ रहा है, बॉलीवुड भी आ रहा है। तो आप एक कैटेगरी को भी पकड़ सकते हैं जिससे कि आपके पास सिर्फ हॉरर वाला ऑडियंस होगा, सिर्फ रोमांटिक मूवी वाला ऑडियंस होगा, या सिर्फ हॉलीवुड वाला ऑडियंस होगा। तो इस तरीके से भी आप एक चैनल ओपन कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन था। और यहां पर मैं आपको एक चैनल दिखाने वाला हूं जो अभी एकदम से नया ओपन हुआ है, मिस्ट फिल्मी करके इनका चैनल है। अब इनके चैनल को आप देखेंगे तो अभी यहां पे 46,000 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अगर आप वीडियो पे व्यूज देखेंगे तो हर वीडियो पे आपको 8,000, 10,000, 23,000, और जब कोई नया मूवी आता है, कोई नया मूवी का ट्रेंड आता है तो यहां पे मिलियन में व्यूज आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 लाख व्यूज है, 4 लाख व्यूज है। और ये इतना सेफ तरीके से चलते हैं कि ना कोई स्ट्राइक आता, ना कोई क्लेम आता है, और यहां पे अर्निंग भी अच्छा खासा होता है। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो ट्रिक क्या है और कैसे आप अपलोड करेंगे कि ना स्ट्राइक आए, ना किसी तरह का कोई दिक्कत हो। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश चैनल लेना है, मतलब आपको ऐसा चैनल नहीं लेना है जिस पे आपने टेक वीडियो भी डाल रखा है, कुकिंग वीडियो भी डाल रखा है, ब्लॉग भी डाल रखा है, ऐसा चैनल लेने की जरूरत नहीं है। एकदम से फ्रेश चैनल होना चाहिए, आपको एक नया चैनल बना लेना है। नया चैनल बनाइए, उस पे सिर्फ मूवी वाला काम ही करिएगा और आलतू फालतू का वीडियो या शॉर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको मूवी कहां से मिलेगा, आप कहीं से कोई भी हॉलीवुड मूवी उठा लीजिए, कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा लीजिए, और आपको डायरेक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है स्ट्राइक आएगा और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आपको करना क्या है कि पहले उस मूवी को देखना है, जैसे मैंने पूरा मूवी देख लिया, अब मुझे समझ में आ गया कि क्या कहां पे हो रहा है, तो अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे कि यहां पे मैंने माइक रख के बैठ गया, अब मैं मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हीरो यहां से
से आया, इसने ये किया। अब अगर आपको समझना है तो आप चैनल, मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे दोस्त का चैनल है उसी को आप देख लीजिएगा, क्रिप्टोन का पोता नाम है। अब आपको करना क्या कि एक्सप्लेन करना, और वीडियो में आपको सिर्फ मूवी का इमेज यूज करना है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये भी इसी तरीके से बनाता है, सिर्फ यहां पे मूवी का इमेज यूज करता है। ये इमेज वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ मैं आपको बॉलीवुड के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर आप हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करना चाहते हैं तो हॉलीवुड मूवी में आप क्या कर सकते हैं कि उसका आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं, उसका छोटा छोटा आप क्लिप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 3 सेकंड का, और उसको आप वीडियो के बीच में डालते रहिए, उससे को आप डुप्लीकेट करते रहिए और आप मूवी को एक्सप्लेन करते रहिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं आएगा, और आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे, आपका चैनल भी मोनिटाइज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज ये भी है कि अगर आप हॉलीवुड का पुराना कोई मूवी लेते हैं और उससे अगर आप वीडियो भी यूज करते हैं 10 सेकंड का क्लिप काट के, 5 सेकंड का क्लिप काट के, लेकिन उसमें आपको आवाज को म्यूट कर देना, आवाज नहीं होना चाहिए, तो भी स्ट्राइक नहीं आता, क्योंकि हॉलीवुड पे स्ट्राइक नहीं आता है, जो आपका बॉलीवुड का मूवी आता है उस पे स्ट्राइक आता है। अब यहां पर आपको ट्रिक लगाना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि पुष्पा 2 मूवी आ गया। अब आपको करना क्या कि पुष्पा 2 मूवी का जो ओरिजिनल पोस्टर होगा, आपको ओरिजिनल पोस्टर लगाना है और वहां पर आपको मूवी को एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या हुआ पुष्पा 2 में, कैसे कैसे शुरुआत हो, वो आपको एक्सप्लेन करते रहना है, और बीच बीच में जो आपने मूवी देखा होगा, पहले आप मूवी देख लीजिए, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो नहीं, स्क्रीनशॉट, सिर्फ इमेज आपको बीच बीच में लगाते चलना है। इससे आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा। और यहां पे लोग जैसे कोई मूवी आता है तो आपको पता है कि इंडिया में मूवी को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है, लोग सर्च करते हैं, सर्च करेंगे और आपको पूरा कीवर्ड डाल देना है, पुष्पा से रिलेटेड जितना कीवर्ड है, जितना टैग है, आपको डिस्क्रिप्शन टैग सारा फुल कर देना है, आपका वीडियो टॉप पर आएगा, लोग उससे देखेंगे, और अगर आप सही से मूवी को एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी अनोखा चीज नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो ऐसे हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, उनका चैनल भी मोनिटाइज है और मिलियन में लाखों में व्यूज भी आता है। बस आपको करना क्या कि आपको हॉलीवुड का पुराना मूवी सिलेक्ट करना है, उसका आप छोटा छोटा वीडियो क्लिप निकाल लीजिए, और जब बॉलीवुड का कोई नया मूवी आए तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से न सिर्फ आप मूवी के साथ कर सकते हैं, आप वेब सीरीज भी पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेब सीरीज में आपको पता है 8-10 पार्ट होता है, तो एक एक पार्ट को आप एक्सप्लेन करते रहिए, एक एक वीडियो में बताते रहिए, आज आपने एक पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, कल के वीडियो में अगला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर किसी को एक भी पार्ट पसंद आ जाता है तो उस वेब सीरीज पे आपने जितना एक्सप्लेन किया होगा वो आपके सारे पार्ट को देखेंगे। और ये एक अच्छा तरीका, इसमें बस आपको पहले मूवी देख लेना है, उसके बाद कहानी की तरह आपको उसे बताना है, और जब आप बताकर एडिटिंग के लिए बैठिए तो स्क्रीनशॉट ले लेकर उस इमेज को लगाते रहिए, लगाते चलिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका चैनल मोनिटाइज भी होगा, अच्छा खासा आप अर्निंग भी कर पाएंगे। इस तरह से जो मूवी एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको ऐसे 4-5 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। अगर कोई बंदा है, कोई बड़ा चैनल है, वो आज एक मूवी का एक्सप्लेनेशन किया है तो अगले दिन आप उसका भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसने जो स्क्रीनशॉट यूज किया आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो यूज किया उस पर उसका कॉपीराइट नहीं है, उसने भी कहीं से उठाया है तो आप भी उठाकर यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना बोल्ड थंबनेल लगाएंगे उतना ज्यादा व्यूज आप कमा सकते हैं, सारा खेल यहां पे थंबनेल के ऊपर होता है। अगर आप हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक बोल्ड थंबनेल लगाना है कि जो भी देखे बिना उस पे क्लिक किए वो जा ना सके, तो आपको थंबनेल के साथ खेलना है। थंबनेल कैसे बनाना है अगर आपको सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्लिक बेट वाला थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो यहां पर आप बारीकी से समझ चुके होंगे कि आपको अगर मूवी अपलोड करके पैसा कमाना है तो आपको किस तरीके से काम करना है। डायरेक्ट मूवी अपलोड नहीं करना है, उसका स्क्रीनशॉट यूज कीजिए, मूवी को कहानी की तरह एक्सप्लेन कीजिए। अब आपको इस तरीके का काम करना है तो फ्रेश चैनल बनाकर आज ही से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।